लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो हेलो जयप्रकाश जी, मैं सुंदरलाल बोल रहा हूँ। हाँ कहो भाई सुंदरलाल, बहुत दिनों बाद याद किया। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है सेठ जी, आपके घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत है। क्या पहेलियां बुझा रहे हो, बोलो ना क्या बात है। सेठ जी, शालू बेटी अमर राय से शादी नहीं कर रही है, बल्कि वो एक जंगली जाहिल और गवार मंगल नाम के पल्लेदार के इश्क में गिरफ्तार है। क्या पकते हो सुंदरलाल, मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहा हूँ सेठ जी, अगर मुझ पर यकीन ना हो तो खुद आकर देख लीजिए। सुंदरलाल, अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। क्या बात है? तुम्हारी बेटी वहाँ किसी मामूली पल्लेदार के साथ रंगरलिया मना रही है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मंगल, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, जिन लोगों ने तुम पर और मुन्ना पर हमला किया था उन लोगों को अभी ऑक्सीजन दी जा रही है। चोर लोगों को कुछ दिया जा रहा है? अरे बाबा, सांस दी जा रही है ताकि वो लोग होश में आए और ये बता सके कि वो किसके आदमी थे। अरे शालू, मैं तो मुन्ना को बचाने में लग गया, नहीं तो उन लोगों को वहीं खत्म कर देता। अरे हाँ मंगल, एक खुशखबरी है, डॉक्टर का कहना है मुन्ना खतरे से बाहर है, बस दो चार दिन में चलने फिरने लगेगा। ओ शालू बल्ले, ये खुशखबरी दी ना तूने, अब दिल करता तुझे जब फ्री डाल दूं। मंगल डार्लिंग। ये क्या कहा? डार्लिंग डार्लिंग का मतलब है माशूक। तू मेरी डार्लिंग। अच्छा शालू, तू बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक्स। नहीं नहीं नहीं, इसको अंग्रेजी में कैसे कहते हैं? यू आर वेरी चार्मिंग। अच्छा शालू डार्लिंग, यू आर वेरी चार्मिंग। फोन। हेलो शालू, बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। मैं अभी आ रही हूँ। डैडी। डैडी, आपका भाई। मैं ना आता तो अच्छा था, कम से कम तुम्हारी ये बेहुदा हरकत देखने का मौका तो ना मिलता। डैडी बात क्या है, आप नाराज क्यों हैं? ये मंगल है। जानता हूँ, एक जंगली जाहिल कमार और एक पल्लेदार के साथ तुम शादी करना चाहती हो। तुम्हें अपनी पोजीशन, अपने खानदान की मान मर्यादा और माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं। डैडी, आपको मंगल का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल, डैडी की बात का बुरा मत मानना। ये तो मेरे होने वाले ससुर हैं, हम इनकी बात का बुरा क्यों माने। हाँ अगर कोई और होता तो अब तक अस्पताल भेज दिया होता। बकवास बंद करो, चलो तुम चलो इसी वक्त मेरे साथ। डैडी, मैं मंगल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं आपके साथ उस वक्त चलूंगी जब आप हम दोनों को आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तू चल मेरे साथ, वरना मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगा। आई एम सॉरी डैडी, मगर मैं मंगल को नहीं छोड़ सकती। ठीक है तो हमें छोड़ना होगा, आज से तू मेरे लिए मर चुकी है। क्या हुआ सर जी, अब ठीक तो है? सुंदरलाल मैं ठीक हूँ। आप रुके, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चल जाऊंगा। सेठ जी ऐसी हालत में कैसे जाएंगे आप? प्लीज सेठ जी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं मैं ठीक हूँ सुंदरलाल, मैं चल जाऊंगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप जिद्दी करते हो तो जाइए, लेकिन रणवीर राम के साथ जाएगा। बेटे तुम इनके साथ जाओ। आइए अंकल। थैंक यू सुंदरलाल। आइए चलिए। बेटे सेठ जी का ख्याल रखना अच्छी तरह से। हेलो, मैं मंगल बोल रहा हूँ। मिस्टर मंगल, एक गुंडे को होश आ गया है, उसने बयान भी दिया है। एक औरत, गोरा रंग, उसकी थोड़ी पर काला तिल है, काले कपड़े और कपड़ों पर सांप का निशान है। वो औरत उसे मिली थी, उसने आप लोगों को मारने के लिए उसे 2,00,000 रुपए दिए थे। ऐसी औरत आपको कहीं मिले तो हमें फौरन खबर दीजिए। थैंक यू। ठीक है।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तेरा इंतजार। मैं पूछ सकती हूँ किस लिए? पूछूंगा मैं और बताएगी तू। बता कौन थे वो लोग जो मुन्ना की जान लेना चाहते थे? कौन से लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। तेरी समझ में सब कुछ आ जाएगा और तू बताएगी। मैं कुछ नहीं जानती। तुम अपने... नहीं जानती, झूठ बोलती है। ये क्या कर रही है तू? बचाओ, मैं देखता हूँ कौन बचाता है तेरे को। देखता हूँ कौन बचाता है। साफ साफ बताओ लोगों का नाम क्या था। ये मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। छोड़ दो यार, तेरी तो मंगल बहुत हो चुका है। शर्म नहीं आती एक औरत की इज्जत से खेलते हुए? ये झूठ है, मैं तो सिर्फ इसे गुंडों के नाम पूछने आया था। पूछने आए थे, इतनी रात गए और वो भी इस तरह इसकी इज्जत पे हाथ डालकर। अरे ये सब ढोंग है ढोंग। तू इस डैन की बातों का विश्वास करती है? क्यों करे? इसके फटे हुए कपड़े, इसकी आंखों में आंसू, इसकी हालत, साफ साफ कह रहे कि तुम इसका इसका बलात्कार करने। बलात्कार? क्या तू मुझे इतना गिरा हुआ समझती है? हैं? ठीक है, जो समझ ले समझ ले। ओए, तू ये मत समझना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर कल सुबह तक तूने मुझे उन गुंडों का नाम नहीं बताया, मैं तेरी जान ले लूंगा। शालू जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मंगल साहब मुझे जान से मार डालेंगे। मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हें मारेगा। तुम चलो मेरे कमरे में, चलो। डैडी, अगर मंगल ने सुबह तक लिली से सब कुछ उगलवा लिया तो दोपहर तक हम बाप बेटे जेल की सलाखों के पीछे कुत्ते की तरह सड़ रहे होंगे। अगर लिली कल तक जिंदा रही तो ना लिली को कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल के इल्जाम में फांसी होगी मंगल को। Oh!